नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। से चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। मुंबई में बीकेसी कोविड सेंटर भ्रष्टाचार की जांच करेंगे लोकायुक्त एमएल तहलियानी। पलनी स्वामी ने मेडिकल पीजी में प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। टीवी कार्यक्रम नौकरशाही में जिहाद विवाद से सरकार ने झाड़ा पल्ला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली व आखिरी थी। पालघर हिंसा मामले में 2 पुलिसकर्मी को अनिवार्य सेवानिवृत्त और 1 बर्खास्त। मणिपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता रही 5.1। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनडीपीएस मामलों में शिकायतकर्ता व जांच अधिकारी का एक होना आरोपी के बरी होने का आधार नहीं। भीषण हादसा, मुंबई में तेज रफ्तार कार ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत 4 घायल। रेडियो उद्घोषक अमीन सयानी के निधन की अफवाह, बेटे ने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, पीएम मोदी ने कहा हमेशा आपका आशीर्वाद और साथ मिला। भारत में 30 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, ई पास की अनिवार्यता समाप्त हुई। हिंदुत्व की राह पर प्रकाश आंबेडकर, धार्मिक स्थल खोलने के लिए पंडहरपुर में आंदोलन। भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग झील के पास चीन से वापस ली रणनीतिक महत्व वाली जगह, चीन ने दी चेतावनी। कोरोना संकट के बीच 14 सितंबर से शुरू होगा लोकसभा का मॉनसून सत्र, अधिसूचना जारी। पीएम मोदी की मुहिम को आगे बढ़ाएंगी मानुषी छिल्लर, सोशल मीडिया पर देंगी संतुलित आहार की जानकारी। अब भी आईसीयू में भर्ती गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम, हालत हो रही स्थिर। बजरंग रवि दीपक सोनीपत में करेंगे तैयारियां, 23 में से 5 पहलवान शिविर में नहीं होंगे शामिल। ओलंपियाड चैंपियन बनने से बदलेंगी चीजें, अब आनंद को उम्मीद, शतरंज खिलाड़ियों को भी मिलेगा पुरस्कार। 8 साल बाद ग्रैंड स्लैम में खेलेंगी क्लेटर्स, संन्यास लेने के बाद वापसी कर रही है 37 वर्षीय किम। अजय मेंदोनका ने जीता इस्कालिकी शतरंज महोत्सव खिताब। ट्रंप ने कहा एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन परीक्षण के 3रे चरण पर पहुंची, जल्द मिलेगा वैक्सीन से लड़ने का हथियार। नेपाल ने भारत को पिछले वित्त वर्ष में बेची 60 करोड़ की बिजली। लेबनान में नई सरकार बनाएंगे अदीब, फ्रांस ने निभाई भूमिका। सिंगापुर में भारतवंशी प्रीतम सिंह बने देश के पहले औपचारिक नेता विपक्ष। उइगर प्रवासियों ने किया अमेरिका में चीन विरोधी प्रदर्शन।